आपका पहला सवाल है, कौन सी चीज खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है? आपका ऑप्शन है ए दही, बी फल, सी आचार, डी नमक। आपका सही जवाब होगा डी नमक। आपका दूसरा सवाल है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस धातु से बनी है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी पीतल। आपका सही जवाब होगा बी तांबा। आपका तीसरा सवाल है, बिजली के हीटर का तार किसका बना होता है? डॉट। आपका ऑप्शन है ए तांबा का, बी लोहा का, सी नाइट्रोम का, डी एल्यूमिनियम का। आपका सही जवाब होगा सी नाइट्रोम का। आपका चौथा सवाल है, कौन सा पक्षी पैदा होते ही उड़ने लगता है? आपका ऑप्शन है ए तोता, बी कौवा, सी चील, डी चमगादड़। आपका सही जवाब होगा डी चमगादड़। आपका पांचवा सवाल है, पृथ्वी पर सबसे कठोर चीज क्या है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी हीरा, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा बी चांदी। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 6 जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी गोवा, सी असम, डी त्रिपुरा। आपका सही जवाब होगा हे सिक्किम। आपका सातवां सवाल है, विश्व प्रसिद्ध चामीनार कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है हे दिल्ली, बी मुंबई, सी आगरा, डी हैदराबाद। आपका सही जवाब होगा डी हैदराबाद। आपका आठवां सवाल है, शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोयल को, बी तोता को, सी मोर को, डी कबूतर को। आपका सही जवाब होगा डी कबूतर को। आपका अगला सवाल है, 9 किस जीव की आयु 150 से लेकर 200 वर्ष तक होती है? आपका ऑप्शन है ए घोड़ा, बी हाथी, सी कछुआ, डी ऊंट। आपका सही जवाब होगा सी कछुआ। आपका दसवां सवाल है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन के, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी, डी विटामिन डी। आपका सही जवाब होगा बी विटामिन सी। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 11 वह कौन सा जानवर है जिसे गुलाबी पसीना निकलता है? आपका ऑप्शन है ए दरियाई घोड़ा, बी जलहस्ती, सी हिरन, डी भालू। आपका सही जवाब होगा ए दरियाई घोड़ा। आपका अगला सवाल है, 12 भारत में सबसे ज्यादा बाल
विवाह कहाँ होते हैं? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी हरियाणा में, डी राजस्थान में। आपका सही जवाब होगा डी राजस्थान में। आपका अगला सवाल है 13। बिल्ली का औसत जीवन काल कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 23 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 17 वर्ष, डी 19 वर्ष। आपका सही जवाब होगा बी 21 वर्ष। आपका अगला सवाल है 14। दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए अच्छा लगना, बी प्रेम न होना, सी अत्यंत पीड़ित होना, डी कष्ट पहुंचाना। आपका सही जवाब होगा सी अत्यंत पीड़ित होना। आपका अगला सवाल है 15। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? आपका ऑप्शन है ए 20 साल, बी 18 साल, सी 15 साल, डी 22 साल। आपका सही जवाब होगा डी 22 साल। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है डॉट ए चार्ल्स बैबेज, बी थॉमस एडिसन, सी रिचर्ड, डी नील आर्मस्ट्रांग। आपका सही जवाब होगा हे चार्ल्स बैबेज। आपका अगला सवाल है 17। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? आपका ऑप्शन है 1 मई, बी 5 अप्रैल, सी 2 अक्टूबर, डी 8 नवंबर। आपका सही जवाब होगा सी 2 अक्टूबर। आपका अगला सवाल है 18। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए अवसर का फायदा उठाना, बी असंभव काम को संभव करना, सी बहुत परिश्रम करना, डी अधिकाधिक उन्नति होना। आपका सही जवाब होगा हे अवसर का फायदा उठाना। आपका अगला सवाल है 19। काला गुलाब कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी तुर्की, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा सी तुर्की। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 204 हड्डियां, बी 206 हड्डियां, सी 208 हड्डियां, डी 207 हड्डियां। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।